हेलो एवरीवन वेलकम टू अराइव ऑनलाइन क्लासेस दिस इज़ प्रवीण हियर टुडे आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट रेस्पिरेशन इन प्लांट प्लांट फिजियोलॉजी में हम दो एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर्स पढ़ते हैं फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट एंड रेस्पिरेशन इन प्लांट दोनों ही चैप्टर थोड़े से कन्फ्यूजिंग लगते हैं बच्चों को क्योंकि इसमें थोड़े से डीप कंसेप्ट आ जाते हैं अगर हम रेस्पिरेशन इन प्लांट की बात करें तो एनसीईआरटी के फर्स्ट टू पेजेस में जस्ट इंट्रोडक्शन दे के रखी है जहाँ से जो इम्पोर्टेंट चीज़ें निकल के आती है वो मैं आपको यहाँ पर डिस्कस करूँगी इस वीडियो में क्या क्या चीज़ें इंक्लूड होंगी पहले मैं वो चीज़ आपको बता देती हूँ एक्सप्लानशन होगी ईच एंड एवरी पॉइंट जो इम्पोर्टेंट होगा फॉर योर बोर्ड एग्जामिनेशन फॉर योर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन फ़ॉर योर एम सी क्यू वो सारी चीज़ें आपको बताई जाएंगी और कहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं ये चीज़ भी बताई जाएगी चैप्टर में जो रेस्पिरेशन प्रोसेस है उसको पूरा डिस्कस किया गया है डिफरेंट स्टेप्स में मैं आपको एक चीज़ बताती हूँ जनरली जब आप छोटी क्लासेस में पढ़ते थे जब मैं भी छोटी क्लासेस में पढ़ती थी तो हमें टीचर बोलते थे कि प्लांट्स जो हैं वो सी ओ टू यूज़ करते हैं फॉर रेस्पिरेशन और वो ऑक्सीजन छोड़ते हैं जिस ऑक्सीजन को हम लोग जो है रेस्पिरेशन के लिए यूज़ करते हैं और हम कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं जिसे प्लांट लेते हैं बट स्टूडेंट एक चीज़ आप यहाँ से क्लियर कर लीजिए कि प्लांट भी अपनी ब्रीदिंग के लिए ब्रीदिंग प्रोसेस के लिए सी यू टू नहीं बल्कि ऑक्सीजन ही यूज करते हैं तो अब आप क्या बोलेंगे कि रेस्पिरेशन के लिए ओ टू ही यूज करते हैं सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म चाहे वो प्लांट्स हैं चाहे वो एनिमल्स हैं अगर हम एन सी आर टी के फर्स्ट पैराग्राफ के बारे में बात करें तो यहाँ पे जनरल सी चीज़ें लिख रखी हैं कि सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म को ज़िंदा रहने के लिए फ़ूड और उसको रेस्पायर करना ज़रूरी होता है कहाँ से प्लांट जो है वो खाना खाते हैं तो वो फोटो प्रोसेस से जो कि इससे पिछला चैप्टर में आप डिटेल में पढ़ते हैं ये सारी चीज़ें दे के हैं जो रिक्वायरमेंट होती हैं लाइफ के लिए उसमें रेस्पिरेशन भी एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो लाइफ प्रोसेसिस में हम फूड जो फोटोसिंथेसिस से फूड बनता है फिर उसकी ऑक्सीडेशन होती है ऑक्सीडेशन होगी और वो पर्टिकुलर एक कंपाउंड में या कार्बोहाइड्रेट में कन्वर्ट होगा अगर हम प्लांट्स की बात करें तो प्लांट में ग्लूकोज स्क्रोज और स्टार्च ये तीनों चीज़ें आपको यहाँ से याद रखनी है क्या होता है प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस में लाइट एनर्जी को ट्रैप करके केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट किया जाता है और यहाँ पे ग्लूकोज की फॉर्मेशन होती है स्टूडेंट्स जब प्लांट में ग्लूकोज बनता है आफ्टर फोटोसिंथेसिस ग्लूकोज सिक्स कार्बन कंपाउंड है और ये साइक्लिक स्ट्रक्चर और लीनियर स्ट्रक्चर दोनों में दोनों फॉर्म्स में प्रेजेंट होता है <coughs> मैं ग्लूकोज की बात कर रही थी कि ग्लूकोज जो है प्लांट्स में जब बनता है उसके बाद वो हर एक सेल तक जाएगा लीफ में बनेगा हर एक सेल तक जाएगा जब वो लीफ से प्लांट की बाकी सेल्स की तरफ जा रहा होता है तो उस टाइम उस टाइम वो ट्रांसपोर्ट होता है थ्रू फ्लोयम लेकिन ग्लूकोज जो है स्क्रोज़ की फॉर्म में ट्रांसपोर्ट होता है ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि ग्लूकोज जो है किस फॉर्म में ट्रांसपोर्ट होता है तो वो स्क्रोज होता है अब ये सक्रोज हर एक सेल तक पहुंच जाएगा वहाँ पे यूटिलाइज़ होगा ऑक्सीडेशन होगी फिजोलॉजिकल ग्लूकोज कहाँ चला गया सेल्स तक स्क्रोस में ट्रांसपोर्ट होगा वो मतलब स्क्रोस की फॉर्म में ट्रांसपोर्ट होता है फ्लोएम में और स्क्रोस जब जो है वो यूटिलाइज हो जाएगा उसके बाद कुछ अमाउंट फूड का अगर सेल्स में बच जाता है तो स्टार्च की फॉर्म में स्टोर हो जाता है ठीक है तो स्टोरेज जो फूड मटेरियल होता है प्लांट में वो स्टार्च होता है अगर मैं एनिमल की बात करूँ तो वो ग्लाइकोजन होता है ओके अब इसके बाद एनिमल्स क्या होते हैं हीट्रोट्रॉपिक होते हैं वो फूड कहाँ से गेन करते हैं प्लांट्स से नेक्स्ट देखिए हरबी बोर्ड्स क्या होते हैं जो डायरेक्टली प्लांट्स से जो है वो अपना खाना लेते हैं डायरेक्टली अगर मीट प्रोडक्ट खाते हैं उनको कार्निवोर बोलते हैं और सेप्रोफाइट्स होते हैं जैसे फनजाई फॉर एग्जाम्पल जो डेड डिकेइंग ऑर्गेनिक मटेरियल को अपना फूड मटेरियल लेते हैं वहाँ से कोई गली सड़ी चीज़ों से अपना फूड मटेरियल गेन करते हैं उनको हम सेप्रोफाइट बोलते हैं अब यहाँ पे इस चैप्टर जो ये मेन चैप्टर है सॉरी <coughs> तो ये मेन चैप्टर सेलुलर रेस्पिरेशन के बारे में बात करता है अब ये सेलुलर रेस्पिरेशन क्या होता है सेल के अंदर जाके कहाँ पर रेस्पिरेशन हो रही है उसके बारे में हम बात करने वाले हैं वैसे हम ब्रीथ करते हैं प्लांट भी अपने स्टोमेटा के थ्रू ऑक्सीजन अंदर लेते हैं वो तो सिंपल ब्रीदिंग हो गया फिर वो हर एक सेल तक जाएगा और आपको पता है सेल के अंदर डिफरेंट डिफरेंट सेल ऑर्गेनलीज होते हैं और स्टूडेंट जो सेल ऑर्गेनलीज जो हैं रेस्पिरेशन प्रोसेस में इन्वॉल्व होते हैं उसमें एक तो होता है माइटोकॉन्ड्रिया और दूसरा जो साइटोप्लाज्म है वो इसमें इन्वॉल्व होता है ठीक है ये दोनों नाम आपको याद रखने हैं माइटोकॉन्ड्रिया एंड साइटोप्लाज्म माइटोकॉन्ड्रियन साइटोप्लाज्म का अपना एक रोल होता है और ये यू में इन्वॉल्व होते हैं क्योंकि आपको पता है जो माइटोकॉन्ड्रिया है जो कि एक सेल ऑर्गेनली है मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनली है क्योंकि इसके पास मेम्ब्रेन होती है वो सिर्फ यू कैरियोट्स में होता है इसलिए यहाँ लिख रखा है कि ये सिर्फ यू कैरियोट्स में होता है ठीक है अब जो प्रोसेस है द यहाँ पे देखिए द ब्रेकिंग ऑफ कार्बन कार्बन बॉन्ड ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड थ्रू ऑक्सीडेशन विद इन द सेल लीडिंग टू रिलीज कंसीजरेबल अमाउंट ऑफ एनर्जी इज कॉल्ड रेस्पिरेशन यहाँ से आपकी डेफिनेशन बन जाती है क्या बोल रहा है कोई ऐसा कंपाउंड है कोई ऐसा मॉलिक्यूल है यहाँ पे ग्लूकोज की ब्रेकडाउन होती है कि ग्लूकोज में जो कि सिक्स कार्बन कंपाउंड है इसके कार्बन कार्बन बॉन्ड को तोड़ना है ऑक्सीडेशन प्रोसेस होना है यहाँ से एनर्जी जो रिलीज़ होगी इस पूरे प्रोसेस को हम रेस्पिरेशन बोलते हैं स्टूडेंट्स और जो जो कंपाउंड इस प्रोसेस में इन्वॉल्व होते हैं उनको हम रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट बोलते हैं ठीक है दोनों चीज़ें आपको क्लियर हो जानी चाहिए नेक्स्ट यूजुअली क्या होता है कार्बोहाइड्रेट जो है वो ऑक्सीडाइज होते हैं जो कि हमें एनर्जी देते हैं अब बायोमोलिक्यूल में हम देख चुके हैं कि कार्बोहाइड्रेट्स क्या होते हैं उसमें मोनोसेकेराइड वगैरह सारे हमने किए थे बट प्रोटीन फैट्स इवन द ऑर्गेनिक एसिड कैन बी यूज टू रेस्पिरेटरी सब्सटांसिस इन सम प्लांट्स यूजुअली कार्बोहाइड्रेट जो है ग्लूकोज सबसे ज़्यादा यूज होता है लेकिन ये एन बोल रहा है कि प्रोटीन फैट एज वेल एज ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस भी रेस्पिरेटरी सब्सट्रेट हो सकते हैं कुछ प्लांट्स में ओके नेक्स्ट देखिए यहाँ पे अब इसके बाद इम्पोर्टेंट है कि डू प्लांट ब्रीथ वही मैंने चीज़ बोला कि क्या प्लांट भी ब्रीथ करते हैं येस yes, वो ओ टू लेते हैं रेस्पिरेशन के लिए और गिव आउट क्या करते हैं वो सी ओ टू करते हैं राइट right? अब देखिए प्लांट अनलाइक एनिमल्स हैव नो स्पेशलाइज्ड ऑर्गन फॉर ए गैसियस एक्सचेंज जैसे हमारे पास लंग्स होते हैं इनके पास कोई लंग्स नहीं होते हैं ठीक है, है? इसलिए जो स्टोमेटा होता है एंड लेंटी सेल्स ऑफ द प्लांट दे हेल्प्स इन द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन ये लेंटी सेल्स क्या होती हैं ये जब मान लो कोई प्लांट की स्टेम है उसके ऊपर जो है पोर लाइक स्ट्रक्चर होगा पोर भी नहीं बोल सकते जब क्या होगा जो मतलब वॉल है स्टेम की वहाँ से जो सेल रप्चर हो गई होती हैं ठीक है कुछ इस तरीके से आपको दिखती हैं ये वहाँ से ये सेल्स क्या करती हैं गैसेस एक्सचेंज करती हैं तो इनको हम क्या बोलते हैं लेंटी सेल्स बोलते हैं क्लियर अब इसके बाद क्या होता है जो गैसेस एक्सचेंज है वो ईच प्लांट ईच प्लांट पार्ट के लिए इंपॉर्टेंट होता है और क्योंकि हर एक प्लांट पार्ट में सेल्स हैं हर एक सेल को क्या चाहिए नीड है हर एक सेल को नीड है किसकी ऑक्सीजन की ए की राइट right? इसके बाद देखिए ओनली फोटोसिंथेसिस आर लार्जर वॉल्यूम ऑफ गैसेज एक्सचेंज इन्वॉल्व होता है मतलब कि फोटो में ज्यादा अमाउंट जो है वो गैसेस का इन्वॉल्व होता है रेस्पिरेशन के लिए थोड़ा अमाउंट इन्वॉल्व होता है ठीक है इसके बाद आ जाइए इंपॉर्टेंट चीज़ हम यहाँ पे अब करने वाले हैं वैसे जो बेसिक्स हैं वो तो आपके चले ही हुए हैं अब देखो अब यहाँ पे इस पेज पे देखिए थोड़ा सा मैंने आपको कहा कि लेंटी सेल्स होती हैं तो यहाँ पे भी थोड़ा सा दे रखा है कि लेंटी सेल्स क्या होती हैं आपसे पूछा जा सकता है कहीं किसी एग्जाम में तो लेंटी सेल्स यहाँ पे देखे रखा है कि क्या होता है लीव्स के पास तो स्टोमेटा है लेकिन जो बार्क होती है ठीक है जो स्टेम का सबसे बाहर वाला पोर्शन है उसको हम बार्क बोलते हैं अब स्टेम थिक है बार्क के नीचे पतली सी सेल्स की लेयर होती है जिनके पास स्मॉल ओपनिंग होती है उनको हम लेंटी सेल्स बोलते हैं ठीक है थीके? इस चीज़ का ध्यान रखना ये रूट्स में भी प्रेजेंट होते हैं ओके अब ये जो रिएक्शन है इसमें जो है ग्लूकोज टूट रहा है और एनर्जी प्रोवाइड कर रहा है इस रिएक्शन में यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है कि ए की कितनी जनरेशन होती है कितने ए प्रोड्यूस होते हैं एनर्जी की फॉर्म में तो थर्टी सिक्स और थर्टी एट ए टी यहाँ पे आपको याद रखने हैं राइट right? चलिए अब स्टोरी ऑफ रेस्पिरेशन यहाँ पे थोड़ा सा देखे रखा हुआ है यहाँ पे कि एरोबिक रेस्पिरेशन होती है एन एरोबिक रेस्पिरेशन होती है एरोबिक रेस्पिरेशन वो होती है जिसमें ऑक्सीजन इन्वॉल्व होती है एन एरोबिक वो रेस्पिरेशन होगी जब ऑक्सीजन वहाँ पे प्रेजेंट नहीं है यूजुअली एन एरोबिक रेस्पिरेशन जो है फर्मेंटेशन जैसे होता है प्रोसेस एस टू उसमें इन्वॉल्व होता है ऐसे प्रोसेस के लिए यूज़ होता है लेकिन पहले हम बात करेंगे एरोबिक रेस्पिरेशन में वेरी 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 इंपॉर्टेंट इकोलिस राइट right? ये जो ग्लाइकोलिसिस का टॉपिक है ये इसकी एक अपनी इम्पोर्टेंस है बहुत बार पेपर में यहाँ से क्वेश्चन आते हैं और इंडिविजुअल साइकिल अगर बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट है आप थोड़ा सा ध्यान से समझेंगे इसको ग्लाइकोलिस जो है ग्रीक वर्ड ये जो वर्ड है ये ग्रीक से लिया गया है ग्लाइकोज ग्लाइकोस का मतलब होता है शुगर लाइसिस का मतलब होता है स्प्लिटिंग ग्लूकोज़ की स्प्लिटिंग होनी है एक शुगर ग्लूकोज आपको पता है ग्लूकोज एक शुगर है और ये सिक्स कार्बन शुगर है सिक्स कार्बन होते हैं इसमें और इसकी ब्रेकडाउन होनी है ग्लाइकोलिसिस एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें शुगर का मॉलिक्यूल टूटता है और पाइरूवेट में कन्वर्ट होता है ये हम आगे देखेंगे ठीक है ये जो एक स्कीम है मतलब ये जो पूरी साइकिल है जो साइकिल नहीं कह सकते हम इसको क्योंकि ग्लाइकोलिसिस जो है वो रिवर्स पूरा साइक्लिक नहीं है कि पूरा ऐसे ही चलता है मतलब जैसे ग्लूकोज है इस तरीके से पारुर्वेद तक चलेगा इन्वॉल्व इसमें टेन स्टेप्स होते हैं अभी वापस नहीं होता इसको हम साइकिल इसलिए नहीं कह रहे हैं ठीक है सिंपल मतलब ये है यहाँ पे जो तीन साइंटिस्ट हैं ठीक है ये ये देखिए आप तीन साइंटिस्ट हैं देखो मुझे साइंटिस्ट नाम बहुत बुरे लगते हैं क्योंकि ये प्रोनाउंस करने में भी कई बार गड़बड़ हो जाता है इनमें ठीक है तो ये जो साइंटिस्ट है गोस्त ऑफ ओटो हॉफ एंड जे पार्नास ये जो साइंटिस्ट हैं इनके नाम पे ई e यहाँ से लिया गया है एम यहाँ से, से लिया गया है और पी यहाँ से लिया गया है इसीलिए ग्लाइकोलिसिस को ई एम पी पाथवे भी बोलते हैं राइट इन साइंटिस्ट के नेम पे ही तो आपको अदर नेम भी याद होना चाहिए अब ये जो ग्लाइकोलिसिस है ये कहाँ पे होती है क्वेश्चन एक ग्लाइकोलिसिस क्या है ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज है ठीक है सेकेंड पॉइंट आपका होना चाहिए किसने दिया है साइंटिस्ट का इट इज ऑल्सो नोन एज ई एम पी थर्ड पॉइंट फोर्थ पॉइंट ग्लाइकोलिसिस कहाँ होता है इट ऑकर्स इन द साइटोप्लाज्म ऑफ द सेल ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म एक चीज़ मैं आपको बता दूं ये एनैरोबिक रेस्पिरेशन का पार्ट है एज वेल एज एरोबिक रेस्पिरेशन का पार्ट है मतलब जो ग्लाइकोलिसिस होती है चाहे वो प्रो कैरियोटिक ऑर्गेनिज्म है चाहे वो यू कैरियोटिक है चाहे वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है चाहे वो एनिमल है चाहे वो प्लांट है हर एक ऑर्गेनिज्म में ग्लाइकोलिसिस होगी ही होगी मैं कह रही हूँ कि ग्लाइकोलिसिस में ग्लूकोज मॉलिक्यूल टूटेगा और पायरुविक एसिड बनेगा यहाँ तक पायरुविक एसिड यहाँ पे रेस्पिरेशन कंप्लीट नहीं होती है इसके बाद भी आगे पूरा प्रोसेस चलता है इसके बाद भी क्या होगा प्रोसेस चलेगा लेकिन इसके बाद वाला प्रोसेस हर ऑर्गेनिज्म में डिफरेंट होता है एरोबिक रेस्पिरेशन में अलग होगा एनारोबिक में अलग होगा लेकिन यहाँ तक का जो प्रोसेस है जब तक पायरुविक एसिड या पायरुवेट बनेगा वहाँ तक सभी ऑर्गेनिज्म में सेम होगा इसलिए ग्लाइकोलिसिस चाहे आपको ऑप्शन में आ जाए आपको आ जाए ग्लाइकोलिसिस ऑकर्स इन प्रो कैरियोटिक बी में आ गया यू कैरियोटिक सी में आ गया बोथ नन ऑफ दिस तो आपका आंसर होना चाहिए बोथ ठीक है चलिए अब हम आगे देखते हैं इसका तो ये जो है वो ग्लाइकोलिसिस साइकिल आपकी आ गई है इसमें मैं पहले आपको थोड़ा सा न, बताती हूँ स्टेप्स में आपको जो बताऊंगी उनको ध्यान से सुनना ठीक है थोड़े से टफ़ लगेंगे आपको लेकिन कोई बात नहीं इजी है आ जाएंगे एक बार नहीं दो बार देख लेना पहली बात ग्लाइकोलिस से मैंने आपको दो चार पॉइंट बता दिए अगला सुनिए पॉइंट ये क्या है ग्लाइकोलिस में ये फर्स्ट स्टेप है ग्लाइकोलिसिस इज द फर्स्ट स्टेप ऑफ सेलुलर रेस्पिरेशन नोट करिए सेलुलर रेस्पिरेशन का मैंने आपको बता दिया सेलुलर रेस्पिरेशन क्या है और ये कहाँ होता है ग्लाइकोलिसिस साइटोप्लाज्म में होता है और ये फर्स्ट स्टेप है इसमें जो है पहला स्टेप इसका जो है इसमें ग्लूकोज सिक्स कार्बन कंपाउंड जो है कन्वर्ट हो जाता है ग्लूकोज सिक्स फॉस्फेट में और एक मैं बेसिक बताऊं आपको अगर मान लो आपको जस्ट छोटा सा नोट आया ग्लाइकोलिस पे उस पर आप ये फ्लो चार्ट ज़रूर बनाना जिसमें आप लिखोगे कि ग्लूकोज है जो ग्लूकोज है वो एक तो ये सिक्स कार्बन कंपाउंड है ये जो है दो मॉलिक्यूल जो मैं लिखने वाली हूँ यहाँ पे एक तो है पायरोवेट और दूसरा भी क्या है पायरोवेट ये इसको हम पायरोवेट एसिड भी बोल सकते हैं पायरोवेट एंड पायरोवेट दो पायरोवेट में चेंज हो जाता है सिक्स कार्बन यहाँ थे ये पायरोवेट थ्री कार्बन ये भी थ्री कार्बन में चेंज हो जाता है ये पूरा प्रोसेस लेकिन ये जो पूरा प्रोसेस होता है ना स्टूडेंट्स यहाँ बीच में इसमें दस स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं जिसको हम ग्लाइकोलिस बोलते हैं ये सारे हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं साथ साथ के आपको कुछ सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट बताने वाली हूँ <clears throat> यहाँ से पूरी साइकिल तो पेपर पूछेगा नहीं बोर्ड के अलावा जो आपका अगर मैं वन मार्क क्वेश्चन की बात कर रही हूँ तो वहां पे पूरी साइकिल नहीं पूछेगा ना पूछ लेगा फर्स्ट स्टेप में क्या होता है फर्स्ट में ग्लूकोज किस में कन्वर्ट होता है लास्ट का पूछता है और एंजाइम पूछता है अब यहाँ पे देखो जो यहाँ चीजें लिख रखी हैं इस पूरे पैराग्राफ में वो साथ के साथ आपको डिस्कस होंगी अच्छा आ जाते हैं हम साइकिल पर तो ये सारी चीज़ें जो यहाँ हैं ये मैं डिस्कस करने वाली हूँ तो चलिए पहला स्टेप ग्लूकोज जो है ठीक है Six, जो है मेंबर्ड रिंग होती है ठीक है सिक्स कार्बन रिंग होती है इस तरीके से ग्लूकोज का बेसिक स्ट्रक्चर ये कन्वर्ट हो जाता है ग्लूकोज सिक्स फॉस्फेट मतलब क्या है कि ग्लूकोज की सिक्स पोजीशन पे क्या लग जाएगा आपका फॉस्फेट ग्रुप लग जाएगा मतलब जब ये रिएक्शन होगी तो यहाँ से ए से ए बन रहा है ठीक है मतलब यहाँ से ए टी पी ट्राई फॉस्फेट ट्राई से क्या डाई हो गया मतलब तीन से टू रह गया एक फॉस्फेट कहाँ गया वो ग्लूकोज के साथ चिपक गया जाके कहाँ सिक्स पोजीशन पे स्टूडेंट आप समझ रहे हो रिएक्शन की बात कर रहे हो थोड़ा ध्यान से समझिए ग्लूकोज जो कन्वर्ट होता है ग्लूकोज सिक्स फॉस्फेट में तो ये फॉस्फेट ग्रुप कहाँ से आए यहाँ से ए से ठीक है जब ए से ए बना तो एक ट्राई से डाई हो गया तो एक कहां गया वो यहां जुड़ गया कहां पे के पे के तो क्या बन गया ग्लूकोजेट जब आप नॉर्मे में लिखते हो ना वही चीज यहाँ पे अप्लाई होती है नेक्स्ट फिर क्या होता है यहाँ पे एंजाइम जो यूज होता है यहां लिख रखा है एनसीआर में वही बता रही हूँ आपको हेक्सोकाइनेज ठीक है यहां पे कहीं लिख रखा होगा मैं आपको बता देती हूँ हेक्सोकाइनेज एंजाइम जो है ये देखिए हेक्सोकाइनेज यहाँ पे यूज होता है वो कन्वर्ट कर रहा है ग्लूकोज को ग्लूकोज सिक्स फॉस्फेट में नेक्स्ट चलिए फ्रक्टोज सिक्स फॉस्फेट में अब ग्लूकोज क्या हो गया फ्रक्टोज में कन्वर्ट हो गया और यहाँ पे जो है वो एंजाइम जो इन्वॉल्व होता है दैट इज़ आइसोमी ठीक है और एक चीज़ मैं आपको बता दूँ जो ग्लूकोज होता है वो ऐसे मैंने बोला आपको कि ग्लूकोज क्या है सिक्स मेम्बर्ड रिंग है इस तरीके से लेकिन आपका जो ये फ्रक्टोज होता है ये फाइव मेंबर्ड रिंग होता है इस तरीके से ये डिफरेंस है ग्लूकोज और फ्रक्टोज में यहाँ पे भी एक एटीपी मॉलिक्यूल क्या हो रहा है एक एडीपी में कन्वर्ट हो रहा है तो फ्रक्टोज वन सिक्स बेस फॉस्फेट हो गया मतलब फ्रक्टोज की फर्स्ट और सिक्स पोजिशन पे दोनों पे फॉस्फेट ग्रुप लगा हुआ है आफ्टर दैट यहाँ पे प्रॉबिलिटी होती है कि ये मॉलिक्यूल दो टाइप में दो तरह से जो स्प्लिट हो सकता है ठीक है ट्राइज फॉस्फेट ठीक है ग्लिसलडी हाइड थ्री फॉस्फेट भी इसको बोलते हैं और डाइहाइड्रॉक्सी एसिटोन फॉस्फेट में ठीक है ग्लिस हाइड का सिंपल सा स्ट्रक्चर है यहाँ पे ठीक है चेन स्ट्रक्चर होता है और उसमें थ्री कार्बन कंपाउंड ठीक है थ्री कार्बन एटम्स यहाँ पे होते हैं आगे जो है यहाँ पे इसके बाद प्रोबेबिलिटी ये रहती है कि ये इंटरचेंज हो सकते हैं ये दोनों जो मॉलिक्यूल है ये इंटरचेंज हो सकते हैं ड्यूरिंग दिस रिएक्शन फिर यहाँ से ग्लिसरेल्टी हाइट थ्री फॉस्फेट मतलब ग्लिसरेल्टी हाइट जो मॉलिक्यूल है उसकी थर्ड पोजीशन पे जो है वो फॉस्फेट ग्रुप लगा हुआ है ये मतलब है नेक्स्ट देखिए यहाँ पे वन थ्री बिस् फॉस्फोगलडी हाइड या ग्लिसरिक एसिड ग्लिसरल डी हाइड बोलो या ग्लिसरिक एसिड बोलो सेम ही चीज़ है यहाँ पे मतलब जो थ्री कार्बनस हैं glyceric एसिड के वहाँ पे जो फर्स्ट पोजिशन है और थर्ड पोजिशन है दोनों पे ही फॉस्फेट ग्रुप लगे हुए हैं इसका मतलब ये है इसके बाद बन जाता है ट्राइयोस फॉस्फेट या या तो आप ट्राइयोस फॉस्फेट लिख, लिख लो या थ्री phosphoglyceric एसिड लिख, लिख लो मतलब सेम ही है ठीक है अब यहाँ से एक ए डी पी कन्वर्ट हो रहा है एटीपी में मतलब अब जाएगा क्या एटीपी टीपी यहां से देखो मैं इसको जूम करती हूँ इस स्टेप में देखो यहाँ वन थ्री लिखा है बाय ठीक है दो फॉस्फेट ग्रुप है अभी ग्लिसरिक एसिड के पास दो फॉस्फेट ग्रुप है लेकिन आप यहाँ देखोगे थ्री फॉस्फो गिस्रिक एसिड हो गया मतलब इसके पास जो है एक ही थर्ड ही पोजीशन पे है और जो है यहाँ पे वन पोजीशन से गायब हो गया तो किसने गायब किया ए ने क्या किया यहाँ से एक फॉस्फेट ग्रुप ले लिया और ए में कन्वर्ट हो गया ठीक है ए में ए के पास डाई फॉस्फेट है दो है और वो ए में तब कन्वर्ट होगा जब उसको एक फॉस्फेट ग्रुप मिलेगा तब ड्राई फॉस्फेट हो जाएगा ठीक है आराम आराम से स्टेप्स समझना थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लगता है लेकिन आ जाएगा धीरे धीरे वैसे वैसे स्टेप्स में करोगे समझ आता जाएगा फिर क्या होता है अब लिखा हुआ है। मतलब ग्लिसरेत है। ग्लिसरेत पे क्या है आपके टू पोजीशन पे सेकंड पोजीशन पे फॉस्फेट ग्रुप लगा हुआ है और यहाँ पे टू लिखा हुआ है कि इसके दो मॉलिक्यूल बन रहे हैं इसके बाद यहाँ से ओ टू जो है बाहर निकलेगा वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकलेगा और ये कन्वर्ट हो जाएगा फॉस्फोइनोल पायरोवेट या फॉस्फोइनोल पायरोविक एसिड बोल लो ठीक है इसके बाद एक और यहाँ से ए डी पी फॉस्फेट ग्रुप ले लेता है और ए डी पी कन्वर्ट हो जाएगा ए टी पी में और इसके बाद दो मॉलिक्यूल बनेंगे पायरुविक एसिड या पायरुवेट के जो कि थ्री कार्बन कंपाउंड होता है अब यहाँ पे पायरुविक एसिड जो है लास्ट स्टेबल कंपाउंड बन गया ग्लाइकोलिसिस का ग्लूकोज कन्वर्ट हो गया पायरुविक एसिड या पायरोट इसको हम बोलते हैं और दो मॉलिक्यूल बन रहे हैं एक साइकिल में साइकिल फिर बोल रही हूँ लेकिन एक स्कीम में दो मॉलिक्यूल बन रहे हैं तो इसका मैं आपको स्ट्रक्चर बता देती हूँ यहाँ पे क्या होगा तीन कार्बन कंपाउंड है तो तीन कार्बन लगा लो जी तीन कार्बन कंपाउंड है ये सेंटर वाले के पास ओ ग्रुप होता है ठीक है और यहाँ पे जो है वो हाइड्रोजन थ्री हाइड्रोजन एटम अटैच्ड होते हैं और एक के पास जो है एच ग्रुप लगा होता है तो ये स्ट्रक्चर है आपका पायर्वेट का या पायरोविक एसिड का ये आपको लर्न करना है इम्पॉर्टेंट है लास्ट है हो सकता है आपको कहीं पे भी आ जाए ठीक है और स्टेप्स तो आपको खैर लर्न करने ईच एंड एवरी स्टेप इज वेरी इंपॉर्टेंट ठीक है ओके okay. तो ये था आपका ग्लाइकोलिसिस अब यहाँ से क्वेश्चन क्या पूछे जाते हैं देखो पूछे जाते हैं कि कितने ए यूज़ हुए कितने रिलीज हुए क्या चीज़ कितना अमाउंट रहा ये चीज़ भी पूछी जाती है तो ये मैं आप लोगों के साथ अभी डिस्कस करने वाली हूँ क्वेश्चन पूछे जाते हैं यहाँ पे एन ने भी कैलकुलेट करने के लिए बोला है तो मैं आपको बताती हूँ देखो ध्यान से समझना कि कैसे कैलकुलेट हुए कितने ए कितने है। ठीक है अब क्या होता है जब ग्लाइकुलिस होती है रेस्पिरेशन अभी हमने ग्लाइकोलिसिस ही किया टोटल नेट गेन में आपको लास्ट में बताऊंगी अभी मैं ग्लाइकोलिसिस का ही बता रही हूँ ग्लाइकोलिसिस में जब एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल की ब्रेकडाउन होती है तो आपके पास क्या होता है टोटल प्रोड्यूस होते हैं ए टी एट लेकिन जो प्रोसेस हो रहा होता है ग्लाइकोलिसिस का वहाँ पर दो जो है यूज भी हो जाते हैं इसलिए एट में से हम टू को माइनस कर देंगे हमारे पास सिक्स ग्लाइकोलिसिस में ए टी पी मोलिक्यूल नेट गेन सिक्स होते हैं लेकिन कई बार ऑप्शन में आपको सिर्फ एट ही मिलता है तो आपका आंसर एट हो जाएगा लेकिन प्रोसेस में दो यूज़ भी हो रहे होते हैं तो इसलिए नेट गेन सिक्स होगा जब आप टोटल पढ़ लेते हैं ना पूरा प्रोसेस पढ़ लेते हैं पूरा जिसमें आप आगे जो सिट्रिक एसिड साइकिल मैलिक एसिड साइकिल वो भी इसमें इन्वॉल्व है जब ग्लाइकोलिसिस के बाद सिट्रिक एसिड साइकिल पड़ते क्योंकि ग्लाइकोलिसिस के बाद जो पायरुवेट बना पायरुविक एसिड बना ठीक है ये जो ग्लाइकोलिसिस के बाद पायरुवेट बना या तो ये इथेनॉल बनाएगा या लैक्टिक एसिड बनाएगा ये दोनों साइकिल अलग चलती हैं फिर लास्ट में जाके फाइनल प्रोडक्ट जो बन जाता है वहाँ पे पूरा रेस्पिरेशन कंप्लीट होता है तो रेस्पिरेशन के बाद ये पूछा जाता है कि पूरा जो रेस्पिरेशन प्रोसेस है वो पूरा होने के बाद जो है कितना नेट गेन एटी पे रहता है तो वो थर्टी एट और थर्टी सिक्स होता है वहां पे वही चीज़ की ग्लाइकोलिसिस में दो यूज हो जाते हैं इसलिए यहाँ पे दो माइनस हो जाते हैं ठीक है तो ये हम आगे डिस्कस करेंगे अभी आज के लिए मैं ग्लाइकोलिसिस तक ही पढ़ा पा रही हूँ कल मैं आपको सिट्रिक एसिड पढ़ा दूंगी सिट्रिक एसिड साइकिल और नेक्स्ट जो टॉपिक है इस चैप्टर के वो करवा दूंगी थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग